जय माता दी। हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। मैं संदीप और नमस्ते। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी चीज लाए हैं, सेल्फ स्विच, जिसके बारे में कोई आपको बताता नहीं है, कोई कहता नहीं है, लेकिन आज बता रहे हैं। हम आज इस परेशानी से झेले हैं। एक कस्टमर की गाड़ी आई थी BS6 बिना H3S वाली, उसमें हमने सब जगह से चेक कर लिया, उसका फॉल्ट नहीं पता चल रहा था, सेल्फ ले रहा था नहीं ले रहा था, हमारा सेल्फ स्विच भी सही समझ में आ रहा था, लेकिन क्या होता है ना कि सेल्फ स्विच से ही प्रॉब्लम था। लेकिन बहुत खोजने के बाद फिर जब हमने सेल्फ स्विच चेंज किया, तब उसका सेल्फ स्विच चेंज करने के बाद उसका प्रॉपर सेल्फ लेने लगा, सही से काम करने लगा। तो क्या है जानकारी, वो भी आपको देंगे थोड़ा सा वीडियो में। अभी आगे बढ़ते, पहले आपको पार्ट दिखाते हैं। तो ये हमारे पास हीरो का पार्ट है। तो ये हमारा सेल्फ स्विच है, कुछ इस तरह से पैकेट में आता है, तो इसको रखते बाद में इसमें पार्ट नंबर MRP सब लिखा, वो भी बताएंगे। तो ये हमारा सेल्फ स्विच है। इसमें हो क्या रहा था, दरअसल इसमें हो रहा था जो हमारा ये सेल्फ स्विच लगा है, इसमें से कहीं से कोई तार लीक हो गया था, वायर में से तार लीक हो गया था, वो सट रहा था, तो सही से वर्क कर रहा था, और सही नहीं सट रहा था तो ये सही से वर्क नहीं कर रहा था। वही चीज़ समझ में नहीं आ रहा था, कभी कर रहा है कभी नहीं कर रहा। तो ये ज़्यादा महंगा आता नहीं है, ये विदाउट I3S वाला है, नॉर्मल वाला है जो आपका सभी गाड़ी में लगता है। ये BS6 का है। अब BS6 की पहचान क्या है, वो भी आपको आज बताएंगे। तो पहले आपको दिखाते हैं, ये हमारा पास मिला थोड़ा सा, तो ये हमारा सेल्फ स्विच है। सेल्फ स्विच आपको दिखाते हैं और इसके बारे में सारी जानकारी आपको देते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा ये पैक हो जाता है। इसकी जो चौड़ाई है काफ़ी मोटी होती है, कुछ इस तरह से है, और इसमें यहाँ पे हमारा एक्सीलेटर वाला वायर कसा जाता है, और ये नीचे हमारे जो सेल्फ कंपोनेंट है वो कसा होता है। इस पर देखिए हीरो लिखा हुआ आपको कंप्लीट दिखाई देगा, और ये सेल्फ स्विच का पहचान भी आपको बताएंगे लास्ट में। इसकी वायर कुछ इस तरह की है, और ये यहाँ पर देखिए जो ओरिजिनल होता है वहाँ पर इस तरह के स्टिकर लगा होता है, और ये हमारा एक कपलिंग है। इसकी लेंथ भी काफ़ी अच्छी है। तो अब आते हैं इसकी जानकारी पे आते हैं कि इसमें इसको पहचानेंगे कैसे। इसको पहचानने का तरीका है जो हमारा ये सेल्फ स्विच है कुछ अलग तरह से है। इसमें देखिए ऊपर डॉट 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 बना हुआ है, 9 तरह का डॉट यहाँ पे बना हुआ है, और यहाँ सेल्फ का सिंबल बना हुआ है। इसकी साइज भी अलग है, डिफरेंट है, कुछ अलग तरह का है, ठीक है। और ये हैंडल में हमारे जो लगता है वहाँ पर देखिए एक हुक टाइप का दिया हुआ है, जो हैंडल में हमारे फंसने के बाद ये ऐसे ऐसे नहीं करता है, ये एकदम फिक्स हो जाता है कुछ इस तरह का। इसमें 2 नट कसाते हैं, और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और प्रीमियम है और जेन्युइन तो है ही। अब आते हैं इसके पार्ट नंबर पे, पार्ट नंबर आपको बताएंगे। तो आपको हमने प्रॉब्लम बताई दिया, सब कुछ बता दिया। इसके जो प्रॉब्लम थी वो इसके तार में कहीं लीकेज हो गया था, इसके तार में और यहाँ सोल्डिंग के पास से कहीं लीकेज था, जो पूरा प्रॉपर बिजली सही से दे नहीं पा रहा था। जब बिजली सही से आ रहा था तो हमारा सेल्फ काम कर रहा था, नहीं पकड़ रहा था तो सेल्फ सही से काम नहीं कर रहा था, प्रॉपर उसको करंट नहीं दे पा रहा था। ये तो ये हमारा क्या काम आता है, ये सेल्फ कटआउट काम आता है। सेल्फ दबाने पे जैसे बटन हम लोग दबाते हैं, घंटी बजाते हैं, तो उस तरह का ये भी वर्क करता है, कुछ इस तरह से है। अब आते हैं इसके पार्ट नंबर MRP में। ये हमारा BS6 का है। तो BS6 के जो भी मॉडल आते हैं उन सभी गाड़ियों में लगेगा जिसमें I3S वाला ऑप्शन नहीं है। तो इसमें I3S नहीं है, तो ये सादा वाला है, ठीक है। तो ये सेल्फ वाला है, ठीक है। अब पार्ट नंबर आपको दिखाते हैं। पार्ट नंबर इसका है 3515AC8111S, ठीक है। पार्ट नंबर, प्रोडक्ट है स्विम असेंबली स्टार्टर, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग डेट है 08/2022, नेट क्वांटिटी 1 पीस, MRP 140 रुपये। तो ये हमारा 140 रुपये का है, लेकिन बहुत काम की चीज़ है। 140 रुपये, आप सोचते होंगे 140 रुपये क्या है, लेकिन 140 रुपये बहुत होता है पैसा। 140 रुपये में आपको ओरिजिनल मिल जाएगा, आप अदर ब्रांड में न जाएं अगर नहीं मिलता है ये चीज़, तो आप मिंडा और एक स्विस कंपनी हो गई और एक दो कंपनियां और आती हैं उसमें आप लगवा सकते हैं। अगर ये चीज़ नहीं मिलता है तो आप मिंडा में इसको ज़रूर लगवा सकते हैं। और वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो में ऐसा कुछ बताने के लिए है नहीं। और सेल्फ स्विच हमने आपको बता ही दिया कि ये BS6 में ही लगेगा, न BS4 न BS3 जितने भी मॉडल उन सब किसी गाड़ियों में ये नहीं लगेगा, ये BS6 के हर मॉडल में लग जाएगा जिसमें I3S वाला मॉडल नहीं है। तो इसका पार्ट नंबर हमने आपको बता दिया, इसी पार्ट नंबर से मिलेगा, चाहे इंडिया में आप किसी भी कोने में रहेंगे तो यही पार्ट नंबर आप बता देंगे, तो इस पार्ट नंबर से जो हमारा ये सेल्फ स्विच है BS6 का वो आपको मिल जाएगा। वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपने लास्ट तक देखा तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्ते, जय श्री राम।